YouTube की दुनिया के दो बड़े दिग्गज, दो बड़े चेहरे जिनको दुनिया पहचानती है, एक है संदीप महेश्वरी, दूसरे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। संदीप महेश्वरी जिनके YouTube पर करीब 28 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो दूसरी तरफ है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जिनके करीब YouTube पर 21 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। मगर इन दोनों के बीच में अब एक जुबानी जंग चल रही है। दरअसल इन दोनों दिग्गजों के बीच इस वक्त एक मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेकर एक इस चीज बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ है यूट्यूबर और मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी, उनके यूट्यूब पर 28 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा है जो बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के CEO और संस्थापक है। इनके यूट्यूब पर भी करीब 21 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। इन दोनों के बीच में जो बवाल शुरू हुआ वो करीब 7 दिन पहले शुरू हुआ था, जब संदीप माहेश्वरी ने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में वो दो लड़कों से बात कर रहे थे जो कि उनके एक रेगुलर शो है, जिसपे वो पूरे अलग अलग लोगों को, सेलिब्रिटीज को जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में कामयाबी हासिल करी है अपने दम पर, कुछ करके दिखाया सोसाइटी के लिए, उन लोगों को एज अ गेस्ट बुलाते हैं, कुछ में वो ऑडियंस से इंटरेक्ट भी करते हैं, और कुछ उनके शोज ऐसे भी हैं जिसमें संदीप महेश्वरी जो ऑडियंस उनके पास आती है उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें अलग अलग मोटिवेशनल स्पीच देके अलग अलग सॉल्यूशन देते हैं। इस वीडियो में जिस वीडियो की वजह से बवाल मचा है, उस वीडियो में दो लड़कों से संदीप महेश्वरी बात करते दिखते हैं जो बताते हैं कि उन्होंने एक बड़े यूट्यूबर का बिजनेस प्रोग्राम खरीदा था। एक लड़के ने कहा कि उसने 50,000 रुपए में ये प्रोग्राम खरीदा है, जबकि दूसरे ने कहा कि उसने 35,000 रुपए में प्रोग्राम खरीदा है। दोनों ने ही कहा कि इनके साथ गलत हुआ है, वादा किया गया था कि बिजनेसमैन बना देंगे लेकिन सेल्समैन बना दिया। इन्हें जो प्रोडक्ट है यानी कि जो कोर्स है उसे आगे बेचने के लिए कहा जाता है, जिस पर कमीशन मिलती है। दोनों लड़कों की बात सुनकर संदीप महेश्वरी हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये तो बड़े लेवल पर स्कैम चल रहा है। इसके बाद संदीप महेश्वरी यूट्यूब कम्युनिटी पर पोस्ट करते हैं और कहते हैं कि उन पर इस वीडियो को अपने चैनल से हटाने का दबाव बनाया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है। अब ये स्क्रीनशॉट जो आप देख रहे हैं, ये वही स्क्रीनशॉट है, ये वही पोस्ट है जो संदीप महेश्वरी ने अपने सोशल मीडिया या यूं कहो अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पर सबसे पहले शेयर किया था। उन्होंने इस चीज़ में लिखा कि कुछ लोग उनके घर भी आए हैं लेकिन वो इससे नहीं हटाएंगे। अभी तक मामले में एक बड़े यूट्यूबर जिसका किसी को पता नहीं चला था कि वो कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, इस बारे में कोई नाम नहीं लिया गया था, ना तो वीडियो में संदीप महेश्वरी ने नाम लिया था और ना ही जिन लड़कों से बात हुई थी उन लोगों ने इसमें किसी का नाम लिया था, और ना ही संदीप महेश्वरी ने जो यूट्यूब कम्युनिटी पर पोस्ट डाली थी उसमें किसी का जिक्र किया गया था। फिर इसके बाद इस पूरे मामले में डॉक्टर विवेक बिंद्रा की पोस्ट आती है जो उन्होंने YouTube कम्युनिटी पर पोस्ट की थी। वो संदीप महेश्वरी को खुली चुनौती देते हैं, जिसके बाद लोगों को ये कन्फ्यूजन जो थी कि किसके बारे में जिक्र हो रही है वो दूर हो जाती है और ये कन्फर्म हो जाता है कि ये पूरी बात डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में ही हो रही थी, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पर पोस्ट करते हैं उसमें वो लिखते हैं कि संदीप भाई, मैंने आपका लेटेस्ट वीडियो देखा, बड़े स्कैम का पर्दाफाश, क्योंकि आपने पुष्टि की है कि ये मुझसे और मेरी कंपनी से संबंधित है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी ऑफिशियल आईडी से इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए ताकि दर्शकों के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपने मुझे अपने शो में बुलाया जहाँ मैंने आपके हर सवाल का पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। मैं उसी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अगर दर्शकों के मन में मुझे लेकर कोई सवाल है तो मैं दोबारा आपके शो में आकर उस पर खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। आइए मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, क्या आप में हकीकत का सामना करने की हिम्मत है? एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैंने अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड आयोजित किया है, जहाँ हजारों युवा एंटरप्रेन्योर आए और खाली हाथ नहीं गए। उन्हें टॉप के मेंटर्स से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसके बाद मैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए 10 दिन का MBA प्रोग्राम लेकर आया हूं और मैं इसके लिए कोई फीस नहीं ले रहा, फिर भी मैं आपका सम्मान करता हूं और अगर आपके पास कोई सुझाव या प्रस्ताव है तो मैं आमने सामने चर्चा के लिए फिर से आपके शो में आने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताइए कब आना है।
वो आगे लिख डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपनी पोस्ट में आगे लिखते हैं कि रही बात आपने किसी कर्मचारी को डराने या धमकाने की, तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अगर मेरी टीम में किसी ने ऐसा किया है तो कृपया बिना एडिट किया रिकॉर्डिंग शेयर करें, मैं स्वयं कार्रवाई करूंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, मुझसे बात करने के लिए कई बार मेरे विनम्र अनुरोधों का नज़रअंदाज किया गया। आपने मेरे बारे में 5000 से अधिक पॉजिटिव कमेंट्स डिलीट कर दिए, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी हैं। विवेक बिंद्रा आगे अपनी YouTube कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर किए पोस्ट में लिखते हैं, ये सच है कि मेरे डायरेक्टर और चीफ ऑफ स्टाफ आपके घर आए थे और इसके पीछे का इरादा आपके साथ खुली बातचीत के लिए अपॉइंटमेंट तय करना था। हम आपके स्वभाव को जानते हैं, इसीलिए जो कुछ हुआ उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हम पूरी यूट्यूब कम्युनिटी के साथ खड़े हैं और हम आपके साथ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जहां तक वीडियो हटाने की बात है तो बिना तथ्य के बोलने वाले और मौके का फायदा उठाने वाले प्रभावशाली लोगों को कानूनी नोटिस भेजना मेरा अधिकार है। आगे की बातचीत के लिए आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप में हकीकत का सामना करने की हिम्मत नहीं है। विवेक बिंद्रा की इस पोस्ट पर जवाब देने के लिए संदीप माहेश्वरी ने दो और पोस्ट शेयर किए। ये दोनों पोस्ट वही हैं जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब इन दोनों के झगड़े को लेकर लोग खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि कुछ वक्त पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी के शो में भी गए थे, वहां जाकर उन्होंने काफी लोगों के सवालों के जवाब भी दिए, अपनी राय भी रखी, लोगों को प्रोत्साहित भी किया। संदीप महेश्वरी भी लगातार अपने काम की वजह से लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, अपने काम के जरिए लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों की जो परेशानियां होती हैं अपनी बातों से, अपने एक्सपीरियंस से कोशिश करते हैं कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सके। और रही बात डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, तो वो भी अपने क्षेत्र में कई ऐसे कार्यक्रम कर चुके हैं, कई ऐसी वीडियोस, कई ऐसे इवेंट्स कर चुके हैं जिसमें कई लोगों को फायदा भी पहुंचा है। अब इस पूरे मामले पर लोग अपने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लोग अपने अपने पक्ष रखते हुए अपनी बात का इजहार कर रहे हैं कि आखिर उस बारे में क्या सोचते हैं। इन दोनों चीज़ों को लेकर आपके बारे में आपको क्या सोचना है, इन चीज़ों के बारे में आपको क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।